हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इनास रेसिपीज। आज हम बनाएंगे आलू गाजर मटर। ये एकदम सिंपल रेसिपी है और इसमें कुछ खास इंग्रेडिएंट्स नहीं है। सिंपल आलू गाजर मटर और कुछ टमाटर और हरी मिर्च हम यूज करने वाले हैं। साथ ही सिंपल मसाले जो हम हमेशा यूज करते हैं, नमक, लाल मिर्च, धनिया, गरम मसाला, जीरा, हल्दी और खटाई अमचूर। साथ ही हम ले रहे हैं देसी घी, आप चाहे तो ऑयल में बना सकते हैं, और हींग। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में डाल देते हैं देसी घी। तो यहां पर मैं 1.5 चम्मच कह सकते हैं आप, 2 टेबल स्पून यहां पर मैं यूज कर रही हूं। अब इसमें डाल देते हैं 1 टीस्पून जीरा और साथ ही 1/4 टीस्पून हींग। जीरा भुनते ही इसमें डाल देते हैं कटे हुए आलू। ये मैंने बड़े बड़े 3 आलू लिए हैं, इन्हें कुछ 1 मिनट तक चलाएंगे। 1 मिनट बाद अब इसमें डाल देते हैं गाजर। इसे हाई फ्लेम पर 2 मिनट तक चलाएं। यहां मैंने आलू कम और गाजर ज्यादा ली है, आप चाहे तो सेम क्वांटिटी कर सकते हैं। 2 मिनट तक हाई फ्लेम पे पकाने के बाद अब इसमें मैं 1 कप फ्रोजन मटर डाल रही हूं। आप चाहे तो फ्रेश मटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करें। अब इस पे डाल देते हैं मसाले। सबसे पहले मैं डालूंगी लाल मिर्च, अपने स्वादानुसार आप डाल सकते हैं। यहां पर मैंने डाला है कुछ 2.5 टीस्पून, 1 टीस्पून हल्दी, नमक भी स्वादानुसार। यहां पर मैं डाल रही हूं कुछ 3 टीस्पून। अब पिसा हुआ धनिया, सूखा धनिया 2.5 टीस्पून ये डालेंगे और अच्छे से मिक्स करें। फ्लेम को मीडियम पे कर दें। अब इसे ढककर लगभग 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाएं। अब इसमें डाल देते हैं कटे हुए 2 टमाटर और 3 हरी मिर्चें कटी हुई। इसे अच्छे से मिक्स करें और तब तक पकाएं जब तक कि सारी सब्जी गल ना जाए। इसे आप लो मीडियम फ्लेम पर ही पकाएंगे, डिपेंड करता है आपकी इलेक्ट्रिक स्टोव है या डायरेक्ट यू नो इंडियन गैस पर आप पका रहे हैं, तो उस हिसाब से आप अपना जो बर्नर है उसको हाई फ्लेम या लो फ्लेम, आई मीन मीडियम या लो फ्लेम पर कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक स्टोव है, मैं इसे मीडियम फ्लेम पर ढककर पकाऊंगी जब तक कि सब्जी गल ना जाए। सो लगभग आधा घंटा पकाने के बाद सब्जी गलकर तैयार हो गई है। अब स्टोव को बंद कर देते हैं। इसे आप खाइए पराठों के साथ, रोटी के साथ, और इसका आनंद लीजिए। इट्स सुपर डिलीशियस। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। आज एंजॉय करें आलू गाजर।